हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ में एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसीज आई हैं, और दोस्तों उसकी जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से आपने इसका फॉर्म भी डाल दिया होगा। क्योंकि दोस्तों फिलहाल अभी जो इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। बच्चे इसमें आराम से फॉर्म डाल सकते हैं, और आपका जो ओटीपी का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है फाइनली। अभी जो वेबसाइट है काफ़ी अच्छे चल रहा है, मतलब कह सके तो एकदम मक्खन की तरह वेबसाइट चल रही है। फीस में भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और काफ़ी सारे बच्चे मुझे ये उन्होंने मेरे को बोला, मतलब जो हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, कि सर इसमें जो पिछले साल जो इसका जो पेपर आया था, खासकर सीआरपीएफ एचसीएम बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, इस सबका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके बारे में हमें बताइए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस साल जो आप लोगों का ये बीएसएफ जो आप लोग की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं वो बीएसएफ कंडक्ट कराएगी, तो जो भी आपका सिलेबस पैटर्न है वो ऑलरेडी इसमें उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या आया था, और सबसे जो मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों आज का जो हमारा, वो होगा हमारा प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। दोस्तों बहुत ही इसका फिक्स सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा आपको कुछ तोप पढ़ के जाना है वहाँ पे, बहुत ही फिक्स सिलेबस है, उसी सिलेबस के अंडर में ही आपका पेपर आना है। और मैं बता दूँ आपको कि वैकेंसी का कितने गुने बच्चे यहाँ पे लिए जाएंगे, तो लगभग दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम अगर मैं बताऊँ तो कम से कम 8 गुना बच्चे तो वैकेंसी के यहाँ पे बच्चों को पास करना है सीबीटी में। और सीबीटी में एक अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है वो आपके सीबीटी पे ही बनने वाला है, ठीक है। तो हर स्टेट की एक अलग कट ऑफ आएगी इसकी, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग के लिए एक अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर जो बच्चा अभी से इसकी तैयारी करने लग जाए, खासकर अगर आपने फर्स्ट चॉइस अपना असम राइफ़ल्स वगैरह दिया है, तो आपको पता है दोस्तों असम राइफ़ल्स में मात्र 35 सीट है, तो असम राइफ़ल की जो कट ऑफ है बहुत ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ पे एक बहुत आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के। तो प्रीवियस ईयर पेपर मैं दोस्तों आप लोग को दिखा देता हूँ कि जो पिछले साल इसका जो एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग देखो देख सकते हो। जैसे ये सीआईएसएफ का एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर है, इसमें दोनों पेपर इंक्लूड किए हुए हैं। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे जो है वो आपको बीएसएफ का, सीआईएसएफ का, आईटीबीपी का, और आपको बीएसएफ का, और एक असम राइफ़ल्स का। क्योंकि दोस्तों अगर असम राइफ़ल्स का आपको एग्ज़ाम अगर इसका देना है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या पढ़ के जाना है, जो कि आप वहाँ पर ईजिली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो आपका इसमें मिनिमम जो है कि आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ था इसमें, और आपका जो इसमें क्वालिफाई मार्क्स था इसमें, मतलब टाइपिंग के लिए जो बच्चों को बुलाया गया था 50%, मतलब 50 जिसके स्कोर 100-100 में से 50 नंबर आए थे उस बच्चों के लिए टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। तो आप लोग दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, ये रीजनिंग वाला चल रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग में मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दूंगा कि आपको किस बुक से तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो अभी से ही आप अगर बैठोगे तभी आप जाकर के इसका एग्ज़ाम निकल पाओगे। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैंने पीडीएफ ये सारे फोर्सेस के डाल रखे, जितने भी आपके एचसीएम के हुए ना, आईटीबीपी से लेकर के सीएसएफ तक से लेकर के बीएसएफ एसएसबी सबका उसमें मैंने डाला हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों अभी मैं आपको बुक सजेस्ट कर देता हूँ। तो बुक के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, मार्केट में जाना है और चक्षु पब्लिकेशन की बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की जो बुक है, ये दो बुक आपको मिलने वाली है वहाँ पे, ठीक है। सिंगल बुक में आपको ये दो नाम लिखे हुए मिलेंगे, जिसमें से आपको 2350 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में दोस्तों आप लोग को इसमें पूरा पेपर मिल जाएगा, ठीक है। आपको इधर उधर कुछ नहीं देखना, बाकी इंटरनेट में अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको ये बुक खरीदनी है और अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। साथ ही साथ मैं बात करूँगा अदर वेरिएंट्स में, तो चक्षु पब्लिकेशन की अदर वेरिएंट्स में ही आप लोग दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को बीएसएफ हेड कांस्टेबल के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव समान अध्ययन भी मिल जाएगा। अगर आपने ये दो बुक से तैयारी करी है दोस्तों, तो ये मेरी गारंटी है कि आपसे जो है इस वैकेंसी में एक सीट कोई नहीं लेके जा सकता, ठीक है। और अगर आपको जानकारी और भी चाहिए, और भी मैं अगर आप चाहते हो कि मैं और भी अलग अलग पेपर्स आपके साथ डिस्कशन करूँ, तो वीडियो में अगर मेरे ख्याल से 100 लाइक्स जाएंगे तो मैं अगले बार एक वीडियो लाऊंगा जिसके ऊपर हमारा ऑनलाइन डिस्कशन चलेगा पेपर साथ, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।